गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर बुक ड्यू ड्रॉप्स टर्म टू आउट सब्जेक्ट साइंस साइंस में हम लेसन नंबर टू पढ़ रहे थे फूड एंड डाइजेशन आधा लेसन हम पढ़ चुके थे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ चुके थे फूड के, के बारे में पढ़ चुके थे बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ चुके थे नाउ टेक आउट पेज नंबर वन थ्री जीरो अब हम डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे नाउ लेट्स रीड द लेसन डाइजेशन द फूड दैट वी ईट डज नॉट गिव एनर्जी डायरेक्टली टू आर बॉडी तो जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है इट गिव्स एनर्जी आफ्टर डाइजेशन तो जब हमारा खाना डायजेस्ट हो जाता है उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है डायजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द फूड वी ईट इज़ ब्रोकन डाउन इन टू सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंसेज दैट आर ऑब्जॉर्ब बाय द बॉडी सो जो खाना खाते हैं हम वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंसेस में जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है तो वो उस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू द बॉडी इन आर फूड इन आर बॉडी तो हमारे बॉडी में खाने का क्या होता है वो हम पढ़ते हैं माउथ सबसे पहले स्टेप में आता है माउथ जिससे हम खाना खाते हैं टीथ एंड ग्राइंड द फूड दातों से हम खाना चबाते हैं उसको ग्राइंड होता है फिर फूड और फिर वो सलाइवा से मिक्स होता है दिस फूड मिक्स विद सलाइवा प्रोड्यूसड बाय सलाइवरी ग्लैंड तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसमें फूड मिक्स होता है सलाइवा ब्रेक्स द स्टार्च ऑफ फूड इनटू सिंपल शुगर्स एंड आल्सो मेक द फूड सॉफ्ट तो जब सलाइवा फूड को ब्रेक डाउन करता है तो वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट होता है और खाना सॉफ्ट हो जाता है फिर उसके बाद वो फूड पाइप में जाता है फूड पाइप को हम एसोफेगस भी कहते हैं फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप टू रीच द स्टमक फिर उससे फूड पाइप से होता हुआ खाना हमारे पेट में जाता है स्टमक इट इज लाइक मस्कुलर बैग इन विच फूड इज चर्न एक मस्कुलर बैग जैसा होता है ये जो जहाँ पर फूड चर्न होता है और मिक्स होता है विद डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म तो अब जो ऑलरेडी ब्रेक डाउन फूड है फिर और ज़्यादा ब्रेक होता है फूड और सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में देन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ लॉन्ग क्वल्ड ट्यूब दैट प्रोड्यूस सम डाइजेस्टिव जूसेस तो यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे खाने के साथ मिलते हैं ये क्वाइल्ड ऐसे मुड़ी हुई लॉन्ग ट्यूब होती है द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट से और हमारा खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव ब्लड वेसल्स एंड दैट एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड डाइजेस्टेड फूड तो जब हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो वो डाइजेस्टेड फ़ूड क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल्स होती हैं जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती है देन लार्ज इंटेस्टाइन इट होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर फॉर्म फ्रॉम इट एंड फॉर्म्स फेसिस दैट इज सेमी सॉलिड बेस्ड और फिर जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है हमारे खाने का जो आ, वो वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बाहर निकल जाता है थ्रू एन एस सेमी सॉलिड वेस्ट इज पासड आउट एज स्टूल थ्रू इट थ्रू इट सो तो इधर दो ग्लैंड और हैं लीवर और पैंक्रियाज जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं जो खाने को डाउन करने में हेल्प करते हैं लीवर लीवर प्रोड्यूसेस बाइल दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो लीवर फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ऐसे डाइजेस्टिव जूस जिसे बाइल कहते हैं वो प्रोड्यूस है. करते हैं और पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं जो जूसेस वो कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं नाउ नेक्स्ट पेज जंक फूड सम फूड आइटम्स लाइक फ्रेंच फ्राइज चिप्स केक्स पिज़्ज़ आर टेस्टी बट अनहेल्दी फॉर अस कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो जैसे फ्रेंच फ्राइज़ चिप्स केक्स पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी हेल्दी तो होते हैं लेकिन सॉरी टेस्टी तो होते हैं मगर ये हमारी बॉडी के लिए अनहेल्दी होते हैं दे आर कॉल्ड जंक फूड इन्हें जंक फूड कहते हैं दे कंटेनर लॉट ऑफ फ़ैट एंड शुगर उनमें बहुत ज़्यादा फैट और शुगर होता है सो वी शुड अवॉइड जंक फूड इसलिए हमें जंक फूड अवॉइड करना चाहिए गुड ईटिंग हैबिट्स फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑलवेज टेक योर मील्स इन अ प्लेजेंट एनवायरमेंट सो हमें हमेशा खाना अच्छे एनवायरमेंट में खाना चाहिए ईट अ बैलेंस डाइट बैलेंस डाइट लेनी चाहिए ईट एट रेगुलर इंटरवल्स रेगुलर इंटरवल्स पे खाना चाहिए समय पे, समय पर खाना खाना चाहिए ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड फ्रेश और साफ खाना खाना चाहिए चुए द फूड वेल बिफोर स्वेलिंग तो स्वेलोइंग गल करने से पहले निगलने से पहले खाने को अच्छे से चबाना चाहिए ड्रिंक एट टू टेन ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे आठ से दस ग्लास पानी डेली पीना चाहिए ईट लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ज़्यादा फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए अवॉइड ओवर ईटिंग ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए कुकिंग फूड अदर देन फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर कुकड बिफोर ईटिंग सो बहुत सारी फ़ूड uh, आइटम्स ऐसी हैं जो हमें खाने से पहले पकानी चाहिए अदर देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फूड कैन बी कुकड बाय बॉइलिंग फ्राइंग रोस्टिंग बेकिंग और स्टीमिंग तो फूड हम कैसे पका सकते हैं बॉयल करके फ्राई करके रोस्ट करके बेक करके या फिर स्टीम करके वी कुक फूड बिकॉज इट मेक्स द फूड मोर टेस्टी हम खाना इसलिए पकाते हैं क्योंकि हमारा खाना पकाने से टेस्टी हो जाता है मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट डाइजेस्ट करने में ईजी रहता है और खाना सॉफ्ट हो जाता है किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड जर्म्स जो खाने में जर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो मर जाते हैं वी शुड रिमेंबर दीज थिंग्स वाइल कुकिंग डू नॉट ओवर कुक द फूड ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड ओवर कुकिंग से खाने में न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वाइल बॉइलिंग एनी फूड टेक राइट अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ कंज्यूम्ड इन कुकिंग को खाना बनाने के लिए राइट अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करना चाहिए डू नॉट थ्रो अवे विद द वाटर ऑफ पल्सिस एंड सम कुक्ड वेजिटेबल्स इट कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स सो उसका जो एक्स्ट्रा पानी दाल का पानी या खाने बनाने पर जो वेजिटेबल्स का पानी होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसे फेंकना नहीं चाहिए डू नॉट वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और खाना सब्जियाँ और फ्रूट्स काटने से पहले धोने चाहिए बाद में नहीं सो दैट्स इट आगे की हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थैंक यू हैव हैवे नाइस डे रीड दिस लेसन एट होम बाय चिल्ड्रन